स्टार प्रचारकों की सूची से हटाए जाने के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उपचुनाव में प्रचार के दौरान चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए कमलनाथ का नाम को स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया था। मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका पर आज सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ गए हैं। अतुल, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, कब तक सुनवाई होगी, कब तक फैसला आ सकता है? देखिए भूषा, बिल्कुल आज कमलनाथ के लेके जिस तरीके से याचिका लगाई गई है कमलनाथ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपने स्टार प्रचारक को जो आपत्ति ली थी निर्वाचन ने जो हटाया था उसको लेके बताया जा रहा है कि दोपहर में लगभग 1 बजे के लगभग जो है सुनवाई चालू होगी और जिसके बाद माना जा रहा है कि देर शाम तक इसका फैसला जो है सामने आ जाएगा। हालांकि जिस तरीके से स्टार प्रचारक को लेके एक विवाद खड़ा हुआ और खुद कमलनाथ ने कहा था कि मुझे प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता, जिस तरीके से टिप्पणी की थी कमलनाथ ने उस विवाद को लेके निर्वाचन आयोग ने उनको स्टार प्रचारक की सूची से हटाया था। लेकिन बहरहाल कल जो है कल शाम 6 बजे प्रचार रुक गया है। लेकिन तमाम जो है निर्वाचन की बंदिशों के बाद भी कमलनाथ ने जो है सभाएं की और रोड शो भी आयोजित की। हालांकि कांग्रेस की लीगल सेल उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी थी और आज देर शाम तक जो है आदेश आने की उम्मीद है। जी अतुल, जिस तरह से कमलनाथ चुनाव आयोग को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाकर, तो किस तरह से अपना पक्ष रख सकते हैं? देखिए कमलनाथ का जब विवादित बयान सामने आया उसके बाद से ही कमलनाथ का ये कहना था कि मेरी मंशा किसी का दिल या किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। हालांकि मेरा जो बयान है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और मेरे द्वारा किसी भी व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी नहीं की गई है और उसी को लेके ही जब निर्वाचन को जवाब दिया था वही जवाब आप लेके वो जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंचे हैं। हालांकि माना यही जा रहा है कि सफाई में कमलनाथ अपनी तरफ से यही रखेंगे कि मेरा किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई थी और मेरे जो है वाक्य को दो मौकों के पेश किया गया है। चलिए अतुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।